नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को शूट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, आप सभी के लिए आज की सूचना से संबंधित यह वीडियो बना रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि पीछे मैं व्हाइट बोर्ड लगा लूँगा और बहुत जल्द मैं चीज़ें शुरू कर दूँगा, लेकिन थोड़ी सी जानते हैं ना कि एक बार जब ट्रैक से आप हटिए तो थोड़ा सा उसमें जो है डिस्टरबेंस होता है, वही हमारे जीवन में भी पिछले 4-5 महीनों से हो रहा है। मैं लगातार अनवरत वीडियोज आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। यह मेरी कहीं ना कहीं आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, आप ऐसा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य हमेशा और हमेशा अपनी सफलता से ज़्यादा आपकी सफलता को मैंने वरीयता दिया है, और इसी वजह से मैं दिन रात काम करता हूँ। आपको कहने से ज़्यादा यही है कि मैं करके दिखाऊं, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में मैं बात करने वाला हूं। लगातार वीडियोज बनते रहते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यूट्यूब पर देखता हूं कभी कभी तो डीएलएड के लेकर के सब्जेक्ट के वीडियोज लोग बना रहे हैं। इससे पहले कोई डीएलएड के सब्जेक्ट पर मैथ नहीं पढ़ाता था, कोई संस्कृत नहीं पढ़ाता था, कोई कुछ नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैंने शुरुआत किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज 4-5 लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपको बेसिक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा करें आप जीवन में, और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मुझसे जो आप उम्मीद करते हैं कि सर आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहिए, देखिए मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए करता रहूँगा, लेकिन अभी जानते हैं कि जब आप कहीं पर जॉब मतलब नौकरी में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें आप अपने मन से नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन इन स्थितियों से भी मैं आप लोगों की दुआओं से जरूर आगे निकलूंगा और बेहतर जरूर करूंगा। मैं दिन रात काम कर रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि मैं दिन रात काम कर रहा हूं, ठीक है, और आपके लिए ही काम कर रहा हूं। आने वाले समय में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक होंगी। देखिए, जो 21 बैच के छात्र हैं जिनका प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा है, तृतीय सेमेस्टर में बैक लगा है, उन सबका पेपर जो है जुलाई महीने में होने वाला है। कुछ लोग हमसे ये कह रहे थे कि भैया हमारे स्कूल में जो है परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है तो क्या इसकी परीक्षा कब तक होगी। मित्रों देखिए, परीक्षा फॉर्म कहीं भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ना ही PNP की तरफ से कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। जो आपको कह रहे हैं विद्यालय वाले, अधिकांशतः प्राइवेट कॉलेज वाले जो कह रहे हैं कि आइए आप पैसा दे दीजिए, आपका परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, वो फर्जी है। केवल और केवल आपसे जो है एक ऐसा होता है ना कि परीक्षा फॉर्म से पहले ही आपसे पैसा ले लिया जाए, एक यही उद्देश्य होता है। आप भी कोई संस्था चलाएंगे तो ऐसा काम करते हैं लोग, आप भी करेंगे, कोई इसमें गलत बात नहीं है। वो लोग जो है सारे बच्चे एक साथ में पैसा नहीं दे पाएंगे तो अभी से वो शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और वाकई में फॉर्म कब तक आ जाएगा परीक्षा फॉर्म, तो वाकई में परीक्षा फॉर्म 7-8 तारीख तक आ जाएगा। 7-8 जून तक आपका परीक्षा फॉर्म आने की प्रबल संभावना है, 7-8 जून तक आपका आ जाएगा। देखिए, आपकी परीक्षा कब से हो सकती है, आपकी परीक्षा जो है, कुछ लोग हमसे बता रहे थे कि भैया 24 तारीख से, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं 23-24 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। देखिए मित्रों, 23-24 तारीख से परीक्षा शुरू होने की, मैंने जो अपने रिसोर्सेज से पता किया है, 23-24 तारीख से आपकी परीक्षा होने की संभावना नहीं है। 1 जुलाई से आपकी परीक्षा होने की संभावना थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीटेट को लेकर के एक दबाव की स्थिति, एक मतलब कि उहापोह की स्थिति PNP के ऊपर बनेगी, तो सीटेट की परीक्षा से, परीक्षा के बाद आपकी परीक्षा होने की संभावना पूरी रहेगी। उससे पहले भी, अर्थात 1 तारीख वाले से भी, मतलब 1, 2, 3 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है, 4, 5, 6 द्वितीय सेमेस्टर की, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। अगर नहीं होता है तो 7 को रविवार है, 7 के बाद जो 8 वाला महीना चलेगा, 8, 9, 10 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी, 11, 12, 13 आपके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी। ये 2 डेट बहुत मतलब कि चुन करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसी 2 डेट पर आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कुछ बच्चों का बैक लगा है, कुछ बच्चों का, एक बच्चा हमसे कह रहा था प्लीज़ गुरुजी आप हमको बचा लीजिए, हमारा मैथ में बैक लगा है और 21 बैच का है, 2 बार वो पेपर दे चुका है, इस बार तीसरी बार उस पेपर दे रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपने 2 बार पेपर दे दिया है, तीसरी बार आप पेपर दे रहे हैं, इस बार आपको हर हाल में पास होना है। अगर आप इस बार फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका DLED खराब हो जाएगा, फिर प्रत्यावेदन वाली स्थिति में आ जाएंगे, तब आपको हाई कोर्ट से मिन्नत करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से राजाज्ञा लेकर के PNP को देना पड़ेगा, तभी भी PNP आपका पेपर समय से नहीं कराएगी। कहीं ना कहीं अगर आप तीसरी बार बैक लग गया आपका,
तो आप खत्म हो जाएंगे, ये आपका लास्ट चांस है, तो बहुत मेहनत करिए। देखिए मैं आपको यही बताऊंगा कि परीक्षा को पास कैसे करते हैं। मैंने देखिए मैं आज वीडियो देख रहा था ऐसे ही, मैं कभी अभी वर्तमान के समय में इतना ज़्यादा पजल्ड की स्थिति में मेरा माइंड रहता है कि मौका नहीं मिल पाता है कि मैं यूट्यूब पर डीएलएड से रिलेटेड वीडियो देख पाऊँ। आज मैं वीडियो देख रहा था तो मेरी एक वीडियो है मूल मंत्र के नाम से, परीक्षा को कैसे पास करें मूल मंत्र। मैं घर के स्टूडियो से वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे लगभग 3 लाख के 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो पे अपना प्यार दिया है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग उसी टाइटल पे उसी मूल मंत्र के नाम से वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा काम करता हूँ इसका लोग नकल करते हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ परीक्षा पास कैसे करते हैं। इस परीक्षा को पास करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक यही होता है कि आप कोई भी सीरीज ले लीजिए। प्रथम सेमेस्टर में आप हैं तो पवन अथवा राजन आप ले लीजिए, उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उस प्रीवियस ईयर पेपर को कम से कम 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को बराबर कर लीजिए और रट डालिए, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। और जो सरकारी किताब है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका मैथ में बैक है तो कक्षा 6 की जो सरकारी किताब आती है वो कक्षा 6 की सरकारी किताब से आपका क्वेश्चन बनता है। और जो तृतीय सेमेस्टर के मैथ वाले बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो कक्षा 7 के सरकारी किताब से बनेगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें होती हैं। अब मुझे उत्तर प्रदेश बोलना पड़ता है क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो मुझे ऐसा बोलना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश की जो सरकारी किताबें क्लासिक्स वाली उसको भी आप एक बार एक नज़र देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। बाकी आप नहीं देखते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ही कर लीजिए और उससे संबंधित जो बेसिक ज्ञान होता है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो प्रथम सेमेस्टर के वीडियोज के लिए कुछ बच्चा हमसे कह रहा था भैया 2-3 वीडियो आप प्रैक्टिस के लिए बना दीजिए जिससे हम लोग प्रथम सेमेस्टर में आपका आशीर्वाद ले लें। मित्रों देखिए मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूँगा मेरे जो पुराने वीडियोज हैं 15-20 वीडियोज मैं प्रथम सेमेस्टर के गणित पर बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आप फेल तो नहीं होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर को करके चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है। आप सभी लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपका पेपर होने वाला है, आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेहतर करें और बहुत अच्छा आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहिए। आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया BPSC की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं DSSSB की तैयारी करना चाहता हूँ। देखिए आप कोई भी तैयारी करिए, हमेशा और हमेशा रणनीति आपकी फिक्स होनी चाहिए। अब कल वाले लाइव में मैंने बोल दिया कि DSSSB अगर आपका CTET अच्छा है, मतलब CTET में आप 120-125 नंबर पा रहे हैं, तो आपके लिए सुपरटेट से भी आसान DSSSB होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुपरटेट से आसान DSSSB वाकई में है। DSSSB आसान भले है लेकिन कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है, पद की संख्या कम होती है और उसमें मतलब कि भाग लेने वाले परीक्षार्थी ज़्यादा होते हैं। आसान सिलेबस के तौर पे भले है लेकिन कंपटीशन आपका तगड़ा होता है, कटाप आपका बढ़ता है। 200 नंबर में आपकी कटाप कम से कम 150 तक पहुँचेगी, उसके लिए आपको बेहतरीन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं उसके लिए अलग से वीडियोज वगैरह बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग इतना ज़रूर यकीन करिए कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो उस परीक्षा को सिंगल टारगेट करके आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं तो केवल BPSC TRE की तैयारी करिए, परीक्षा दे लीजिए, परीक्षा देने के बाद जो आगे आपको करना है वो करते रहिए, ठीक है। लेकिन पहले किसी एक परीक्षा को टारगेट करके तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा, किसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए, है ना। भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ दिया, आप लोगों से मैं सीखा हूँ, आप लोगों को मैं सिखाया हूँ, आप लोग हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। माता पिता जितने इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट आप लोग भी हैं। मेरे संघर्ष के टाइम में आप लोगों ने हमारा साथ दिया और मुझे सकारात्मक ऊर्जा आपने प्रदान किया, और सुकून के लिए सुकून शब्द जो मैं लिखता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अलग एहसास होता है। मैं लिखता हूँ अपने टारगेट के सुकून के लिए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। अपने लक्ष्य को निशाना बनाइए और लगे रहिए, निश्चित तौर पे आपको उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे आप लोग। अपने माता पिता को ही आप मोटिवेशन समझिए, उनके चेहरों से आप सीख लीजिए, उनके झुके हुए कंधों से जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उठा करके अपने कंधों पर लीजिए।
आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, खूब मेहनत करिए, रगड़ के मेहनत करिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर वर्तमान के 2 साल आपने मेहनत कर लिया तो जीवन का 60 साल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से बीतने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपने जीवन के इस 2-3 सालों में मेहनत नहीं किया तो समझ लीजिएगा आने वाला 60 साल का समय जो रहेगा बहुत कठिनाई से बीतेगा। मैं देख रहा हूँ समाज में जिन लोगों ने पिता के पैसे पे 30-35 साल तक बहुत बढ़िया से खाया पिया, खूब मस्ती किया, आज वह लोग जो है दूसरे के यहाँ काम करने के लिए मजदूर हैं, कंपनी में 20,000 की नौकरी के लिए मजबूर हैं, 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका परिवार नहीं चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही समय है कुछ करने का, यही समय है जीवन बदलने का, यही समय है बेहतर करने का, तो इस समय को आप जाया नहीं होने दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आप बोलते ज़्यादा हैं, देखिए मेरे लोग जो हैं मेरी आवाज़ इसी बात को जो है सुनने के लिए मेरे वीडियोज को देखते हैं, तो मैं बोलूँगा अगर आपको लगता है कि इस बात को सुनने से आपका फ़ायदा नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दिया करिए। ठीक है, मैं वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे मौका रहेगा मैं वैसे वैसे वीडियोज आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सभी मेरे हृदय के काफ़ी करीब हैं, निश्चित तौर पर आपने मुझे बेहतर जगह तक पहुँचाया है और आगे भी बेहतर आप लोग हमारे लिए करते रहेंगे, आशीर्वाद आपका मिलता रहेगा। मेरा जो आखिरी लक्ष्य है मैं उसे ज़रूर प्राप्त करूंगा, आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जो मैं हैशटैग सुकून लिखता हूं उस चीज़ को जिस दिन प्राप्त करूंगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराए संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वर्तमान के समय में जो असफलता, जो परेशानी, जो दुखों की काली रातें, जो कष्टों की काली रातें हम लोग काट रहे हैं, आने वाला समय सफलता का सूर्योदय जरूर होगा, ये तय है, निश्चित है, सत्य है, और हम लोग जो है नौकरी लेकर रहेंगे, ये तय है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना कम है, द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि बीच में 7 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, इसी वजह से लेकर के। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। DSSSB पे वीडियो बनवाना हो तो कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और आपको जो है BPSC पर तो मैं वीडियो दे चुका हूँ अब प्रॉपर, या तो मैं, कुछ बच्चे कह रहे थे इतिहास के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आप दीजिए, देखिए इतिहास मेरा सब्जेक्ट है, INM के अगर मैं 500 क्वेश्चन करा दूं तो 500 क्वेश्चन में से INM के पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता है मैं करा पाऊं। BPSC पर डे क्या वीडियो बनाऊं मैं, एक बार मैं वीडियो बना दिया कहां से आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो आप पढ़ते रहिए, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, जो जो हो सकता है मैं आपके लिए करता रहूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, भाई के ऊपर भरोसा करिए, आपका भाई आपके लिए बेहतर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।